The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है CSIR नेट का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट मैंने किया था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से, जहां पर मैंने आपको तीन ऐसी बातें बताई थी जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लोग मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हो। नंबर वन, आपको ध्यान रखना है बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का। नंबर टू, सेलेक्शन रूल। एंड नंबर थ्री, पॉपुलेशन रेशो। इन तीनों कंडीशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मोशन में कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके बीच के एनर्जी कितनी होती है, और उनका आपने एक ऑर्डर भी याद किया कि आखिर वाइब्रेशन के लिए डेल्टा ई कितना होगा, ट्रांसलेशन के लिए डेल्टा ई कितना होगा, रोटेशन के लिए डेल्टा ई कितना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए डेल्टा ई कितना होगा। उसके बाद हमने कुछ यूनिट कन्वर्जन पढ़े जिनकी जरूरत आपको पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने वाली है। तो लास्ट क्लास के अंदर यूनिट कन्वर्जन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके पास मोशन होते हैं इन मोशन कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, अगर इन एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास ट्रांजिशन हुआ तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग अपने मॉलिक्यूल या फिर एटम के बारे में निकाल सकते हो, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of molecular spectroscopy. अभी तक हम लोग तीन लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको molecular spectroscopy की playlist अलग से देखने को मिल जाएगी, जहाँ से molecular spectroscopy को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से playlist बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि लास्ट क्लास के हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे कुछ यूनिट कन्वर्जन जिनकी जरूरत आपको पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने वाली है। तो आई होप आपने वो यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिए होंगे, पढ़ने के बाद आपने उसको याद भी कर लिया होगा, और याद आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ने वाली है, अगर वो क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया। तो कांसेप्ट्स आपको पूरे आते हैं, सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, बट अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आया तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और अलग से मैंने उसको एक लेक्चर दिया है, तो मैंने वहां पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो प्लीज आप लोग भी यूनिट कन्वर्जन को काफी ज्यादा सीरियस लेना क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूनिट कन्वर्जन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो, वेरियस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे जब भी आप लोग अपनी EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के ऊपर डालते हो, तो उस मैटर को अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखोगे तो उसके अंदर आपके पास एटम्स होंगे, उसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो जो एटम्स आपके पास, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, वो कुछ मोशन शो कर रहे होते हैं। आपके पास चार टाइप के मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशन मोशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक मोशन कोरस्पॉन्डिंग जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच की जो एनर्जी की रेंज है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उस केस के अंदर जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में गैप काफी ज्यादा कम होता है। अगर आप लोग उस मोशन कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा को रीड करोगे तो आपके पास काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है और उसको रीड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोग ट्रांसलेशन मोशन कोरस्पॉन्डिंग किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं पढ़ते हो। तो बच गए आपके पास तीन मोशन, आपके पास बच गए वाइब्रेशन मोशन, रोटेशन मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो इन हर एक मोशन कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं अगर इनके बीच में ट्रांजिशन हुआ तो मॉलिक्यूल की किस किस इंफॉर्मेशन को आप लोग गैदर कर सकते हो उनके बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चार्ट से। तो इस चार्ट को याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो रेडिएशन है, पहले कॉलम में लिखा हुआ है रेडिएशन, फिर मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस, फिर मैंने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन गेन्ड। अगर आपको इस चार्ट को देखने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको यहां पर क्लियरली नहीं विजिबल है, तो आप लोग लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको इस चार्ट को देखने को मिल जाएगा। इस चार्ट को मैं लास्ट लेक्चर के अंदर ही कवर करने वाला था, बट ड्यू टू सम साउंड डिस्टरबेंस हमें वहां पर क्लास जल्दी वाइंड अप करनी पड़ी। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको वो
लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी जो मैं आपको इस चार्ट के अलावा आगे पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो तीन कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, रेडिएशन का, प्रोसेस का और इन्फॉर्मेशन गेन का। यानी कि अगर आपने रेडिएशन चेंज किया, आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है, आपके स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास एक्सरे का रीजन होता है, यूवी विजिबल होता है आपके पास, उसी तरीके से आपके पास काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है। तो अलग अलग रेंज की अगर आप लोग EMR को मैटर के ऊपर डालोगे तो क्या क्या चीज़ें मैटर के साथ हो सकती हैं वो उसके बारे में बात करूंगा, और वो जो चीज़ें जो हो रही है मैटर के साथ उससे आप लोग किस किस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं इस चार्ट के अंदर। तो सबसे पहला केस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि अगर आपका रेडिएशन एक्सरे रीजन का है, यानी कि जो आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 10^16 टू 10^19 हर्ट्ज के बराबर है। देखिए स्पेक्ट्रम के जो आपके पास होता है डिटेल्स, जिसको आप लोग याद करते हो कि आपके पास यूवी विजिबल है, एक्सरे है, गामा रेज है, इनकी आप लोग एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी को जरूर याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी कर लो या फिर वेवलेंथ कर लो, बात एक ही है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फ्रीक्वेंसी को याद कर लो, क्योंकि ज्यादा जरूरत आपको किसकी पढ़ने वाली है, फ्रीक्वेंसी की ही पढ़ने वाली है। तो जितनी भी आपके पास ये होती है, विजिबल होती है, यूवी विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस चार्ट में लिखा हुआ है, आप लोग इस चार्ट से भी उस चीजों को याद कर सकते हो। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक्सरे रेडिएशन डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 10^16 से 10^19 हर्ट्ज के बराबर होती है, यानी कि काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है। जब भी आप लोग इस एनर्जी की लाइट को डालोगे मैटर के ऊपर, तो आपके मैटर को अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखोगे तो उसके अंदर एटम्स हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, और एटम्स के पास अंदर क्या होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि जो आपके पास एटम के पास जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनका भी ट्रांजिशन ये कर सकता है। यानी कि जब आप लोग एक्सरे लाइट को डालोगे अपने मैटर के ऊपर तो उस केस में ट्रांजिशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांजिशन हो जाता है, और अगर आपके इनर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो। कैसे बताते हैं उन सब चीज़ों के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके इनर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए जो आपने लाइट डाली है वो आपने डाल दी है यूवी विजिबल रेंज की, इसका मतलब 10^14 से 10^16 हर्ट्ज़ की आपने क्या डाल दी है, EMR को आपने डाल दिया है। तो इस केस के अंदर एनर्जी जो है थोड़ी सी कम हो गई, तो यहाँ पर जो है इनर इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांजिशन नहीं कर पाता, लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर ट्रांजिशन कर पाता है। और जब भी आपका आउटर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलता है उस जो एनर्जी आप लोग देते हो उसको आप लोग क्या बोलते हो, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर से आउटर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो। यानी कि अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को निकाल सकते हो, और क्योंकि आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है चाहे वो इनर हो या फिर आउटर हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहां से गेन कर सकते हो। तो अगर आपकी लाइट यूवी विजिबल रेंज की है, यानी कि 10^14 से 10^16 हर्ट्ज की आपके पास लाइट डाली है, तो उस केस के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। और अगर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ तो उस केस के अंदर आप लोग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो, साथ ही साथ आप लोग डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में भी बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेडिज्म के बारे में, यानी कि जो आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10^12 से 10^14 हर्ट्ज की होगी। आपकी यहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो गई तो इस केस के अंदर ना तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना ही ये इनर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, लेकिन आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन मोशन शो कर रहा है, और अगर वो वाइब्रेशन मोशन शो कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे। यहां पर इस केस के अंदर ये वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में ट्रांजिशन शो कर सकता है, और अगर आपके वाइब्रेशन मोशन के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को निकाल सकते हो और साथ ही साथ फोर्स कॉन्स्टेंट को निकाल सकते हो। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को काफी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो कैसे आप लोग इन चीजों को निकालते हो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को या फिर फोर्स कांस्टेंट को कैसे निकालते हो, वो सब चीज आप लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीख जाओगे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एंड वाइब्रेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप लोगों ने IR रीजन की लाइट अपने मैटर के ऊपर डाली उस केस के अंदर ना तो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना ही आपका इनर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन मोशन शो कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में ट्रांजिशन हो सकता है। अगर उनके बीच में ट्रांजिशन हुआ तो आप लोग मॉलिक्यूल के बारे में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को निकाल सकते हो, साथ ही साथ आप लोग फोर्स कांस्टेंट को भी निकाल सकते हो।
तो नेक्स्ट रेडिएशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने लिखी हुई है फार इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर 10 टू 10 रेज टू द पावर 12 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और कम हो गई है, एनर्जी और कम हो गई है, तो इस केस के अंदर आपके पास जो रोटेशन मोशन है कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनके बीच में ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर उनके बीच में ट्रांजिशन हुआ तो वहां से आप लोग निकाल सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ को, जिसको हम लोग निकालने वाले हैं जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से आप लोग बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने लाइट डाली है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 टू 10 रेज टू द पावर 8 हर्ट्ज की, तो इस केस के अंदर आपका चेंज हो सकता है चेंज इन स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप लोग कहां पढ़ते हो, हाइड्रोजन एनएमआर के अंदर या फिर आप लोग कार्बन एनएमआर के अंदर पढ़ते हो। तो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की आप जो लाइट डालोगे उस केस में जो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको आप लोग पढ़ते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जहां से आप लोग निकाल सकते हो मैग्नेटिक एनवायरमेंट ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम विच स्ट्रक्चर मे बी डिटरमाइंड, जो कि आप लोग करते हो। आप लोग वहां पर देखते हो कि जो आपके पास हाइड्रोजन एनएमआर होता है उस केस के अंदर आप लोग देखते हो किस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप लोगों ने माइक्रोवेव रेजिंग की लाइट डाली है या फिर आपने आई रेजिंग की लाइट डाली है, क्योंकि आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, उसके बाद दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, फिर आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है और वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। तो आपका फोकस होने वाला है आईआर के ऊपर और आपका फार इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव के ऊपर, जहां से एक के अंदर आपका क्या हो रहा है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और दूसरे केस में क्या हो रहा है रोटेशन एनर्जी लेवल के बीच में आपका ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस चार्ट को आपको डाउनलोड करना है तो आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां पर आपको इसके नोट्स को देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जितना भी पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि आखिर आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हो। तो इंट्रोडक्शन को तो आप चाहो चार पांच लेक्चर और भी दे सकते हो, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बच गया है उसको मैं कवर करूंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं सीएसआईआर नेट के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी। तो क्वेश्चन वाला पार्ट आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस तरीके से आप लोग उसको रीड करते हो। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन एंड द मैटर्स रोटेशनल एनर्जी लेवल वो स्टडीड अंडर द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके माइक्रोवेव रीजन की होगी तो उस केस के अंदर आपके जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में क्या होता है ट्रांजिशन होता है, यानी कि द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन द पार्ट ऑफ ईएम रेडिएशन एंड द मैटर्स रोटेशन एनर्जी लेवल वो स्टडीड अंडर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली स्टडीड एंड रियली प्रैक्टिकल इन गैस फेज वेयर एज रोटेशनल मोशन इज क्वेंच्ड इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ड्यू टू कोलिजन। जब भी आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो सैंपल लेना है वो गैस फेज के अंदर ही लेना है, क्योंकि गैस फेज के अंदर ही आपके जो पार्टिकल है आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन मोशन को शो कर सकता है। लिक्विड स्टेट के अंदर और सॉलिड स्टेट के अंदर आपके पास रोटेशन मोशन क्या हो जाता है क्वेंच हो जाता है ड्यू टू कोलिजन, यानी कि वहां पर वो रोटेशन मोशन को शो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो उस केस के अंदर आप लोग इसको नहीं पढ़ते हो। ध्यान रखिए जब भी आपको रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो आपका सैंपल गैस फेज का ही होना चाहिए। उसके बाद रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप दो चीजों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, एक आपके पास होता है प्योर रोटेशन, एक आपके पास क्या होता है इम्प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन क्या होता है, जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में ट्रांजिशन हो, आपका वाइब्रेशन लेवल चेंज ना हो। और जो आपके पास इम्प्योर रोटेशन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन बोलते हो। उस केस के अंदर रोटेशन का क्वांटम नंबर भी चेंज होगा और वाइब्रेशन का क्वांटम नंबर भी चेंज होगा। ये बात आप सबको पता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक की स्टेट होती है, मान लीजिए मैंने क्या बना ड्रॉ की हुई यहां पर, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की स्टेट है राइट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक की स्टेट के अंदर आपके पास क्या होंगे, वाइब्रेशन की स्टेट होगी और वाइब्रेशन स्टेट के अंदर आपके पास क्या होंगे रोटेशन की स्टेट होगी और रोटेशन के अंदर आपके पास क्या होता है ट्रांसलेशन की स्टेट होती है। तो ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसके अंदर आपके पास क्या होंगे
मान लीजिए मैं शो कर रहा हूँ ग्रीन पेन से, ये मैं शो कर रहा हूँ आपको वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स। ये क्या आपके पास वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्या आपके पास n इजकल टू जीरो के लिए है, n इजकल टू वन के लिए है, n इजकल टू टू के लिए और n इजकल टू थ्री के लिए है। अब आपको जो आपको देखने को मिलते हैं रोटेशन एनर्जी लेवल्स, वो आपको इस रीजन के अंदर भी देखने को मिलेंगे, वो आपको इस रीजन के अंदर भी देखने को मिलेंगे और वो आपको इस रीजन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो रोटेशन के एनर्जी लेवल्स वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स के अंदर ही होते हैं। तो n इजकल टू टू और n इजकल टू थ्री के बीच में भी आपके पास क्या होंगे, रोटेशन के एनर्जी लेवल्स होंगे। n इक्वल टू टू और n इक्वल टू वन के बीच में आपके पास क्या होंगे, रोटेशन के एनर्जी लेवल होंगे। और अगर आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है रोटेशन एनर्जी लेवल्स का वो विद इन सेम वाइब्रेशन लेवल के अंदर हुआ तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्योर रोटेशन बोलते हो। मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या था, ये आपके पास वाइब्रेशन के स्टेट्स हैं, एन इजकल टू वन ये रहा, एन इजकल टू टू ये रहा, एन इजकल टू थ्री आपके पास यहां पर रहा, ये आपके पास क्या है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के स्टेट है। उसके बाद आपको पता है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के स्टेट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, रोटेशन के स्टेट होते हैं। तो यहां पर भी आपके पास क्या होगा, जे इजकल टू वन, जे इजकल टू टू, जे इजकल टू थ्री, राइट। यहां पर भी आपके पास क्या होंगे, रोटेशन के स्टेट होंगे, क्या होगा, जे इजकल टू वन, जे इजकल टू टू और जे इजकल टू थ्री। अगर आपका ट्रांजिशन विद इन सेम एनर्जी लेवल हो रहा है, यानी कि आपके पास यहां पर हो रहा है, आपका वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वाइब्रेशन लेवल के अंदर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, प्योर रोटेशन बोलते हो। क्या बोलोगे इसको आप लोग, प्योर रोटेशन बोलोगे। लेकिन अगर आपके रोटेशन एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन तो हो रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन को भी चेंज कर रहा है, यानी कि यहां पर जो आपके पास वाइब्रेशन क्वांटम नंबर था, क्या था आपके पास, केस के अंदर n इक्वल टू 1 था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, और यहां पर j इक्वल टू 3 था, यहां मान लीजिए यहां पर कहां जा रहा है, j इक्वल टू 4 तक जा रहा है। तो यहां पर आपका रोटेशन क्वांटम नंबर भी चेंज हो गया और वाइब्रेशन क्वांटम नंबर भी चेंज हो गया। अगर दोनों क्वांटम नंबर चेंज हो गए, उसे आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन क्वांटम नंबर चेंज हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले आप लोग किसको पढ़ने वाले हैं, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, जो ट्रांजिशन आपके पास हो रहा है, उस केस के अंदर आपके पास जो वाइब्रेशन लेवल है वो एक सेम ही लेवल के अंदर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, लेवल आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आपके पास क्या होंगे, इस स्टेट के अंदर आपके पास क्या होंगे, वाइब्रेशन के लेवल होंगे, n इजकल टू 1 ये रहा, n इजकल टू 2 ये रहा, n इजकल टू 3 आपके पास ये रहा। इस स्टेज के अंदर भी, यानी कि यहां पर भी आपके पास क्या है, रोटेशन के लेवल है, यहां पर भी आपके पास क्या है, रोटेशन के लेवल है। और प्योर स्पेक्ट्रा वो होता है जिस केस के अंदर आपके पास विद इन सेम एनर्जी लेवल क्या हो, ट्रांजिशन हो, यानी कि इस टाइप के ट्रांजिशन हम लोग कहां पढ़ेंगे, प्योर स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन यहां से यहां पर हो गया, जिसके अंदर आपका वाइब्रेशन लेवल भी चेंज हो गया और आपका रोटेशन लेवल भी चेंज हो गया, उसको आप लोग कहां पढ़ते हो, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हो। दोनों ही आपके सिलेबस में है, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर रोटेशन को पढ़ने वाले हैं, जिस केस के अंदर आपका क्या होगा, वाइब्रेशन लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड जनरली एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जनरली क्या होता है, आपके पास एब्जॉर्प्शन होगा, तो आपको ये चीज तो पता है कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप लोग क्या देखते हो, एब्जॉर्प्शन को देखते हो। बिफोर स्टडिंग द रोटेशन स्पेक्ट्रा वी हैव टू क्लासीफाई द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इनटू क्लास बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू गेट द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए और आपको साथ ही साथ अपने रोटेटिंग मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। जहां पर आप लोग किसकी बात करते हो, स्पेरिकल रोटर की बात करते हो, सिमेट्रिक रोटर की बात करते हो, एसिमेट्रिक रोटर की बात करते हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रोटेटिंग मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना पड़ेगा और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। जितनी जरूरत आपको पढ़ने वाली है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी है वो क्या होती है, बी जे जे प्लस वन होती है, और इस बी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनर्शिया की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही आपको यहां पर बताऊंगा। बेसिकली टॉपिक फिजिक्स का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लोग कितना भी पढ़ सकते हो, जितनी जरूरत पड़ेगी, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उतना ही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली आप लोग कैसे निकालते हो, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। अब यहां पर जो ये आर है, ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी भी एक्सिस के अलोंग आप लोग क्या निकालने वाले हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने वाले हो। अगर आपका पार्टिकल कहीं भी रखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास यहां पर पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास क्या है, यहां पर आर है, और एम क्या आपके पास मास ऑफ पार्टिकल है। तो बेसिक जो एक्सप्रेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर होता है। समझाने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास यहां पर चार पार्टिकल रखे हुए हैं, एक आपके पास यहां पर रखा हुआ है,
एक आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, एक आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है और एक आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है। मास मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसका कितना है 1 kg, इसका कितना है 2 kg, इसका कितना है 3 kg और यहाँ पर कितना है 4 kg। उसके बाद आपको मैंने डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 2 meter है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना आपके पास यहाँ पर 4 meter है। तो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर किसी एक्सिस को निकालते हो, इस तरीके की एक्सिस आपने यहाँ पर निकाल दिया और इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, आई एक्स बोल रहे हो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपने यहाँ पर क्या देख रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख रहे हो। वाई के अलोंग भी देखेंगे और जेड के अलोंग भी देखेंगे, कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग पहले एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं और ये एक्सिस कहाँ से जा रही है, इसके मिडल से जा रही है। इसका मतलब अगर ये एक्सिस आपकी मिडल से जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 2 meter का हो जाएगा। पूरा कितना था 4 था, आधा करूंगा कितना हो जाएगा आपके पास 2 meter हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप लोग क्या देखोगे, आप लोगों के पास जनरल एक्सप्रेशन है समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पास मान लीजिए ए मास है, आपके पास क्या है बी मास है, आपके पास क्या है सी मास है, आपके पास क्या है डी मास है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ए वाले मास की, यानी कि जो आपके पास एक्सिस है इससे इसका डिस्टेंस कितना आपके पास देख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 meter है। तो क्या हो जाएगा आपके पास MIRI का स्क्वायर, MI कितना है इस केस के अंदर आपके पास 1 kg है और R कितना आपके पास यहाँ पर 2 meter है। तो आप लोग क्या पुट कर दोगे, 1 × 2 का स्क्वायर, MI इंटू में RI का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो मास है और भी यहाँ पर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 2 kg है, डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर भी 2 meter है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। फिर आप लोग इसको देखिए सी वाले को, इसका डिस्टेंस का मास कितना है 3 है, डिस्टेंस कितना है 2 meter है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखना है आपको, डिस्टेंस कितना है 2 meter है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से 4 kg वाले मास के लिए क्या हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हो। सबसे पहले आप लोग कोई एक्सिस को डिफाइन करते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ इस एक्सिस को डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस में इसको बोल रहा हूं, तो मैंने क्या बोल दिया इसको IX बोल दिया। अगर आपको IX के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जनरल एक्सप्रेशन आपके सामने ये रहा, समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, R क्या है उस पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल 4 meter का, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 meter हो जाएगा। तो पहले वाले पार्टिकल जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर कैसा होगा आपके पास, ये 2 meter का हो जाएगा। तो IX क्या हो जाएगा आपके पास 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर। तो कैसे निकला है वो आप लोग निकाल सकते हो, बाद में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं यहां पर एक्सिस को चेंज करता हूं, मैंने क्या एक्सिस ले ली, मान लीजिए मैंने वाई एक्सिस यहां पर ले ली है और मैंने अपनी वाई एक्सिस को इनके बिल्कुल बीचों बीच मैंने यहां पर निकाल दिया है। टोटल डिस्टेंस आपको गिवन था कितना 2 meter, तो आधा कितना हो जाएगा पास, ये हो जाएगा 1 meter, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पर इसको 1 meter डिफाइन कर दिया। उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन आपको बताया, तो पहला पार्टिकल कितने का है आपके पास 1 kg का है, तो 1 लिख दिया। इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सिस से कितना आपके पास, ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 1 meter गिवन है, तो क्या कर दूंगा मैं 1 × 1 का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड पार्टिकल की बात करता हूं, कितना मास इसका 2 kg मास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है 1 meter का, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। फिर बात करता हूं थर्ड पार्टिकल की, मास कितना इसका 3 kg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है 1 meter, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कैलकुलेट करते हो। आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो मैंने यहाँ पर ली हुई है, कैसे ली हुई है, मैंने आउट ऑफ प्लेन ली हुई है। मास आपके पास वो ही है पार्टिकल्स के, 4 आपके पास पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल आपके पास ये रहा। मास डिफाइन कर दिया है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg। लेकिन जो एक्सिस आप लोग ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये अबव द प्लेन ले रहे हो, यानी कि प्लेन के बाहर आपके पास क्या है एक्सिस है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन, इस तरीके की कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है, जो आपके पास पार्टिकल है वो इस कोरन के ऊपर रखे हुए, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल आपका यहाँ पर है। चारों कोरन के ऊपर आपके पास पार्टिकल रखे हुए हैं और आपको निकालना है जेड एक्सिस के अलोंग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और जेड एक्सिस को मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर से डिफाइन कर देता हूँ, जो कि आपके पास क्या निकल रही है, इस प्लेन से बाहर निकल रही है। इस एक्सिस के अलोंग आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है। आपके पास पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पर रखे हुए हैं, तो पार्टिकल का मास तो आपको पता है, फॉर्मूला के पास क्या होता है, समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। अब ये जो आर यहाँ पर है, ये आर आपका डिस्टेंस है पार्टिकल से एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस एक्सिस को यहाँ पर लेके चलता हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास जो एक्सिस है बीच से निकल रही है, मास पार्टिकल आपका यहाँ रखा हुआ है, तो जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में कैसा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इस पार्टिकल के जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आपके पास 4 पार्टिकल हैं, एक्सिस जो है वो इस प्लेन के बाहर निकली हुई है। इस एक्सिस को मैं दिखा रहा हूँ आपके पास,
मैंने यूज़ किया है वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन को, ताकि आप लोग समझ पाओ कि जो एक्सिस है वो कैसे निकल रही है आपके पास, प्लेन के बाहर निकल रही है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपके कहाँ से, मास से एक्सिस तक, यानी कि पार्टिकल से एक्सिस की तरफ जो आपका डिस्टेंस है, आपको उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, उसको यूज़ करके आप लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हो। डिस्टेंस आपका निकलेगा रूट फाइव, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये भी रूट फाइव होगा, ये भी रूट फाइव होगा, ये भी रूट फाइव होगा। कैलकुलेट कर देखिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो रही है कैसे रूट फाइव आया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, रूट फाइव आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल जाएगा, मास क्या है पहले वाले पार्टिकल का, वन इंटू में डिस्टेंस क्या है, रूट फाइव का स्क्वायर, प्लस दूसरे का मास क्या है, टू है इंटू में रूट फाइव का स्क्वायर, प्लस थ्री इंटू में रूट फाइव का स्क्वायर, प्लस फोर इंटू में रूट फाइव का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते वक्त आपको सबसे पहले अपनी एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अलोंग आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल रहे हो। उसके बाद आपके पास पार्टिकल का मास होगा, और आपको देखना है कि उसका डिस्टेंस कितना है आपकी एक्सिस से, लेकिन वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, तो उस थ्योरम को भी आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग हम लोग बेसिक बातें कर चुके हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने देख लिया, समेशन ऑफ म्यू आई आर आई स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक जो है फिजिक्स सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ रही थी, इसलिए आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ रहे थे। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो कुछ गिनी चुनी शेप होती है। आपके पास आपका मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो अगर आपके पास कुछ गिनी चुनी शेप है, तो उन शेप के रिगार्डिंग आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। अगर मैं सिलेबस के ऊपर फोकस करूं सीएसआईआर नेट के, तो उसने वहां पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है एक बार CO2 का, तो इसका मतलब लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कुछ गिनी चुनी शेप के लिए हम लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली याद कर लेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग डायरेक्टली यहां से इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास शेप होगी, अगर आपके पास मॉलिक्यूल डायटोमिक होगा, चाहे वो होमो हो, चाहे वो हेट्रो हो, चाहे दोनों एटम आपके पास अलग अलग हो, या फिर दोनों एटम आपके पास सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास जो शेप निकल कर आएगी वो आपके पास निकल कर आएगी लीनियर। अगर आपके पास होमो या फिर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, उस केस के अंदर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप लोग डायरेक्टली लिखो म्यू आर स्क्वायर, और यहां पर जो म्यू है ये आपके पास क्या होता है, रेडियस मास होता है, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको बताया, म्यू इज इक्वल टू एम ए एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी। तो इस तरीके से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपके पास मॉलिक्यूल कैसा हो, होमो या फिर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो। उसके बाद अगर आपके पास मॉलिक्यूल हुआ लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CO2, यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये गलत है, आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग नोट्स को डाउनलोड करोगे, वहां पर भी इसकी शेप को कुछ इस टाइप की लिखेगा बी ए से बी, यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि CO2, और CO2 को लेकर ही आपका क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर। और इसकी शेप कैसी होती है, सी आपके पास सेंटर में होता है, ओ इधर होता है, और ये आपके पास यहां पर इधर होता है। तो यानी कि यह मॉलिक्यूल हो गया लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। शेप कैसी है, लीनियर है, और एटम कितने यहां पर, तीन टाइप के एटम है, दो आपके पास दूसरे कैसा आपके पास कार्बन है। तो ये आपके पास हो गया लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, और क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली था कि CO2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है 2mbr², यानी कि अगर वो CO2 का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, CO2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2 में मास ऑफ ऑक्सीजन आर का स्क्वायर। यानी कि जो साइड एटम है वो मैंने यहां पर बी से डिनोट किया हुआ है, इस डायग्राम को आप लोग हटा दीजिए, यहां पर आपको क्या ड्रॉ करना है, बी ए और बी इस टाइप का ड्रॉ करना है आपको। कैसा मॉलिक्यूल है ये, लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस केस के अंदर आप इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली लिख सकते हो, आई इक्वल टू 2mbr². ये जो बी है आपके पास क्या है, यहां पर साइड एटम है। अगर CO2 के केस के अंदर बात करो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2m ऑफ ऑक्सीजन आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। जब भी आप लोग बात करोगे मास की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो मास आपको किलोग्राम के अंदर लिखना है, और जो मास आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको गिवन है वो ग्राम पर मोल के अंदर गिवन है। तो ग्राम पर मोल को कैसे आप लोग केजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बताया, 1.67 × 10^27 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका मास ग्राम पर मोल से किलोग्राम पर मॉलिक्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यूनिट कन्वर्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया था। तो नोट्स के अंदर जाकर आप लोग यहां पर इस शेप को चेंज कर सकते हो, शेप आपको कुछ इस तरीके की बनानी है, बी आपको यहां करना है, ए आपको यहां करना है, बीच में भी आपको यहां करना है। लिखा भी हुआ है लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो यहां पर तो ये लीनियर था ही नहीं, शायद एक गलती से बन गया होगा, लेकिन आप यहां पर नोट्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हुआ, यानी कि ए आपके पास सेंटर एटम है और बाकी जो साइड एटम है सारे के सारे बी हुए, इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 8/3
mbr2। b यहां पर क्या है, साइड एटम है। अगर वो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि CH4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप वहां पर एक्सिस निकाल कर बैठोगे, एक्सिस ढूंढोगे, फिर बॉर्डिंग डिस्टेंस निकालोगे, तो वहां से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहां पर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि आप लोग कैसे निकालते हो 8/3 mbr2। और इस केस के अंदर आपके पास b कौन सा एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। यानी कि आपके पास साइड एटम क्या है, यहां पर हाइड्रोजन एटम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, 8/3 m ऑफ हाइड्रोजन एटम r का स्क्वायर। और मास को आपको यहां पर किलोग्राम के अंदर लेना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो CO2 का क्वेश्चन आ चुका है, टाइटल का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, ना ही अभी तक टाइटल का क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला ही तो है, उसको याद कर लो, क्या पता आ जाए, क्योंकि सिलेबस से बाहर उसने आपसे CO2 पूछ लिया है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम वो आपसे टाइटल पूछ ले या फिर वो आपसे ऑक्टाहेड्रल का पूछ ले। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि CO2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिर्फ अगर इसको फॉर्मूला पता है वो आराम से इस चीज को निकाल लेगा, बाकी एक्सिस का यूज कर भी आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस केस के अंदर निकाल सकते थे। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल आपके पास कुछ इस टाइप का होता है, ए आपके पास सेंटर एटम है, बी आपके पास क्या है पर साइड एटम है। अगर इस केस की बात करूं तो आप यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली लिख सकते हो 4 mbr2। तो इस तरीके से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। एक बार मैं आपको एक चार्ट फिर से दिखा देता हूं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि अगर आपके पास होमो या फिर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उस केस के अंदर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I = μr2। म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, μ = ma mb / ma + mb। अगर यहाँ पर आपको ग्राम पर मोल से किलोग्राम पर मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो 1.67 × 10⁻²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 ⁻°, जैसे कि CO2 हुआ, तो उस केस के अंदर आपका आई क्या हो जाएगा, 2 mbr2। और यहां पर बी क्या है, आपके पास साइड एटम है जो कि क्या है, सेम है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हुआ, उस केस के अंदर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 8/3 mbr2। यहां पर भी बी आपके पास क्या है, साइड एटम ही है। याद रखिए टेट्राहेड्रल है और आपके पास साइड एटम क्या है, यहां पर सारे के सारे सेम है, तभी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/3 mbr2 होगा। वरना अगर आपके पास साइड एटम अलग अलग हो गए तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जहां पर आपके पास साइड एटम सारे के सारे सेम है, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I = 4 mbr2। तो इन फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हो, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। डायटोमिक वाले की जरूरत पड़ने वाली है μr2, उसको हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। ट्राइटोमिक के ऊपर, लीनियर ट्राइटोमिक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसे मैंने बता दिया। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी की EM रेडिएशन है, उनके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, और उन ट्रांजिशन के बेस के ऊपर आप लोग कौन कौन से इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के बारे में निकाल सकते हो। उसके बाद रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया, जनरल इंट्रोडक्शन दिया, और फिर मैंने आपसे कहा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप किस तरीके से अपने रोटेटिंग मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर आप लोग स्फेरिकल रोटर, सिमेट्रिक रोटर, एसिमेट्रिक रोटर की बात करते हो, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कहा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए आपके पास एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल एक्सप्रेशन देखा, उसका एलिमेंट्री आइडिया लिया, और उसके बाद केमिस्ट्री में यूज होने वाले जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल है उनकी शेप के कोरस्पोंडिंग आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लिया। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं। अगर आप RJ Academy को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो और फोन पे कर सकते हो, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए लेक्चर्स, नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।